हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, साथ में पक्षियों का ध्यान रख रहे होंगे, उनके लिए दाना पानी जरूर रख रहे होंगे। उनका इन्होंने रट लिया है जो मैं बोलती हूँ वो। चलो बोल दो, आप भी बोल दो, चलो आप भी बोल दो। अरे हाँ, टेबल के नीचे का सारा खजाना दिख रहा है मेरा। सोफे में कवर भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि धुला हुआ है तो सूख गया, अभी बिछाऊंगी मैं। बस ऐसे लेटी थी तो सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ आप सबसे। एक्चुअली बैठ ही जाऊँ मैं। और बहुत ही आज खुशी की बात है एक्चुअली। सुबह मैं एक्चुअली मतलब सोचा मैं कैमरा उठाऊं और शूट करूं सारा कुछ, पर क्या होता है ना कि वो खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं, ट्यूशन नहीं गए इसके लिए, वो बात नहीं है, पर जैसा कि सबको पता है कि 12वीं का रिजल्ट था आज, 12th का रिजल्ट था आज, तो एक्चुअली उनका 12th का था इस बार, तो वो पास हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। सोनू बुलाती हूँ, वो तो मैंने प्यार से उसको नाम दे रखा है सोनू, नाम तो भैया का ओम है ना। मत करो ऐसे बाबू, बाल खींचेगा ऐसा मत करो बेटा। तो वो पास हो गया, छोड़ेंगे नहीं तो दादी फोन करके बोल देगी इधर के किसी को भी भेज दो इधर लेने के लिए। अरे दूध पैदल कोई भी छोड़ देगा तो दूध पी के जाओ ना। ना क्यों दूध पी के जाओ, अभी सुबह उठ के ऐसे थोड़ी सुबह सुबह चले जाने का बेटा। देखो तो सही, ये पानी है ना इतना, हाँ पानी से पेट भरता है। पानी से पेट नहीं भरता है, आराम से पियो आराम से, अभी कोई जाने वाले नहीं हो, इतनी जल्दीबाजी कर रहे हो। दादी क्या बोली आपको कि दूध पी के आओ? दादी पिला देंगी ऐसा? दादी बोली मैं पिला दूंगी। अच्छा, और अपने घर पे पी के जाओ, अभी इतने सुबह सुबह आँख खोलते ही थोड़ी जाने का बेटा। वीर ने बोला कि आ जा, वीर ने बोला कि, तो आप बोलते ना वीर को कि आप आ जाओ। मैंने बोला तो फिर वो बोला कि तेरे को आए हुए कितने दिन हो गए इसके लिए, तू हमें बोला 100 रुपये दे दो भैया को दूंगा। 100 रुपये क्यों? फिर जाओ वो आएगा ना लेने तो ये 20 रुपये दे दूंगा। तो 20 रुपये ज्यादा होते हैं कि 100 रुपये ज्यादा होते हैं? आए रे मेरा भोला बच्चा, 100 ज्यादा होते हैं 20 ज्यादा होते हैं? 100 ज्यादा होते हैं ना बेटा, 100 कम होते हैं। हाँ। बताओ जरा, ये तो आपको कोई भी ठग लेगा बेटा। हाँ 50 रुपीज का कॉइन। 50 रुपीज नहीं है वो, 50 पैसा है। 50 रुपीज नहीं है, पैसा है, पैसा पैसा अलग होता है, रुपया अलग होता है। 50 रुपीज का भी कॉइन होता है क्या? अरे पैसा है बेटा, रुपीज नहीं है वो, बता तो रही हूँ। कॉइन है? हाँ। 50 रुपीज का भी कॉइन होता है क्या? फिर बोल रहे रुपीज, वो पैसा है, 50 पैसा। कॉइन यानी? कॉइन यानी पैसा है, ये पैसा के दो ना। वो पैसा देने पे भी नहीं जाएगा भैया, ठीक है? उसको नहीं दोगे अगर जाना होगा ना तो, नहीं दोगे तो भी जाएगा, ठीक है? उसको बोलो, रिक्वेस्ट करते हैं, हर जगह पैसा नहीं देते, पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं। उसको रिक्वेस्ट करो भैया प्लीज मुझे छोड़ दो जाने से। ये क्या गणपति बप्पा बन रहे हैं? ये देखो गणपति बप्पा मोरिया बन रहा है। और यहाँ सिंपल सी कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बस रूटीन बता रही हूँ आप लोगों को, डेली रूटीन ब्लॉग है मेरा, तो इसलिए मैं बस रूटीन बता रही हूँ, वरना दाल चावल सब्जी किसको बनाने नहीं आती है ना। तो लेकिन सिंपल सी रेसिपी है, अगर आप लोग चाहो ट्राई कर सकते हो, गर्मियों के लिए बेस्ट है। दाल तो मैंने पहले ही बना लिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने उसको खाली कर लिया तपीले में और उसको थोड़ा सा गैस पर रख दिया मैंने उबलने के लिए, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा हो गया है। और यहाँ मैंने घी रखा है वापस से गर्म करने के लिए, बना हुआ घी एक्चुअली मैंने शाम को बनाया था, बट इसको मतलब जिस डब्बे में मैं रखती हूँ ना, उसमें रखने से पहले मैं थोड़ा सा गर्म करके फिर उसमें डाल दूँगी। और यहाँ दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया मेरे से। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, मुझे लगा थोड़ा सा कुकर में है पानी डालूँगी, मैंने आरों के नीचे चालू नल करके छोड़ दी, ज़्यादा ही हो गया।
अभी से मुझे जलाना पड़ेगा पानी को थोड़ा, मैं ज़्यादा ही कर दे रही हूँ, देखिए गैस को तेज़ कर दे रही हूँ क्योंकि इतना पतला दाल तो नहीं पसंद है किसी को भी। थोड़ा समय इसको गाढ़ा करूँगी, गैस मुझे जलाना पड़ेगा ज़्यादा। देखिए और यहाँ एक्चुअली लाइट लगा हुआ है ताकि आप लोगों के साथ में जो रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ ना तो वो आप लोगों को दिखे सही से। एक्चुअली किचन इतना ज़्यादा बड़ा है ना तो दो तीन लाइटें लगानी पड़ती है, एक से नहीं होता। मैं दिखाऊँ आपको, अब इसको मुझे 5-10 मिनट देना पड़ेगा दाल को और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, एक किचन का ही लाइट है और एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है। देखिए ये देखिए बंद किया और दूसरी लाइट यहाँ लगाई हुई है ताकि रेसिपी अच्छे से दिख पाए आप लोगों को, ताकि रेसिपी अच्छे से दिख पाए आप लोगों को। और किचन में पसीना देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल कुकिंग करना ना सबसे बड़ा टास्क है, मतलब पूरे दिन के काम में कुकिंग करना सबसे बड़ा टास्क है। चलिए मैं मोबाइल को ट्रैपोड पर लगाती हूँ, लाइट फोकस आ रहा है उधर से, ट्रैपोड पर लगाती हूँ फिर मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और ये घी एक्चुअली मैंने शाम को बनाया था जैसे मैंने बताया, तो बस इसको थोड़ा सा गर्म किया है और छान के डब्बे में डाल दूंगी मैं। और जैसा कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि बहुत खुशी की बात है हमारे लिए क्योंकि मेरा बेटा ओम 12th में था और वो पास हो गया है। तो मेहनत रंग लाई है उसकी, मेहनत बहुत की उसने, मतलब एग्ज़ाम टाइम में रात रात भर जग के पढ़ना और जितना मेहनत किया उसने भगवान ने उसका साथ दिया, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और बहुत प्राउड फील हो रहा है एक्चुअली, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे आपको प्राउड भी फील करवाते हैं, आपको शर्मिंदा भी करवाते हैं, लेकिन जब प्राउड फील करवाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। शर्मिंदा तो देखो कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्मिंदा फील करवाते हैं माँ बाप को, बाकी बच्चे आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, मतलब हर चीज़ वो सोचते हैं, तो उनको पता होता है कि हाँ उनको लाइफ में क्या चाहिए क्या करना है। और यहाँ देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया है, चावल में डाला है पानी और थोड़ा सा घी डाला है और जितनी ज़रूरत थी चावल को उतना पानी मैंने डाल के और एक सीटी लगाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी। और यहाँ मैं एक्चुअली आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ जो कि बिहार यूपी में दाल चावल और आलू की भुजिया, सिंपल सा एकदम रेसिपी है ये, सिंपल सा एकदम खाना है जो कि बिहार में हर घर में बनता है और एवरीडे बनता है। तो ये मतलब सिंपल खाना है जो अपने शरीर के लिए भी सही है और पेट के लिए भी सही है। पप्पा गाना गा रहे हैं, पप्पा गाना गा रहे हैं आज तो, बाप रे सूरज किधर से निकला था सुबह देखना था मेरे को, धो के रखो, धो के वैसे ही रख देते फिर पैकेट को धो लो एक बार, गर्म आ जाएगा ना, फ्रिज में रखना है गर्म आ जाएगा, मैं पानी तो सब गर्म आ जाएगा। पियो क्या, पियो क्यों, पियो पानी पीना है खाली, खून पी के मेरा हो जाता तो ये सब क्यों पीने का, फिर क्या बना रहे हो, जैसा ही है इसको ढक के रखो भाई, क्या रखूं केरी को, अरे वो नहीं कहा, हाँ ये वाली ढक के रखूं, ये वाली हो जाएगा, वो वाली तो गई सब तो बेकार गई, बेकार एकदम बेकार, मस्त है मम्मी अब पी के तो देखो यार आप, बाबू फ्रिज में रख दो, धीरे से वो दरवाजा खोलना क्योंकि बोतल रखा हुआ ना आपने जोर से खोला तो शाम को गिरा था सारा कुछ, धीरे खोलना, हाँ वेरी गुड एकदम आराम से। हम फोन पे कितने बताई बाकी मनवा के कैसे मनाई बहे जब जब पुरवैया हो मन बिगड़े सैया हो।
और यहाँ बातों बातों में मेरी सब्जी कट गई है और बहुत पतले पतले काटे हैं, मतलब इसके लंबे लंबे टुकड़े काटने होते हैं पतले पतले। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको तेल में फ्राई करना होता है। और आपने गाना सुना तो मैं ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ, एक्चुअली किचन में काम करती रहती हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ। तो आज मैंने कट नहीं किया, रहने दिया, मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है इसलिए मैंने रहने दिया, अदरवाइज़ मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि मैं देखिए फास्ट फॉरवर्ड करके और वॉइस ओवर करके ही डालती हूँ वीडियो, तो मैं म्यूट कर देती हूँ जो भी मैं किचन में गाना वाना गाती हूँ या जो भी बातें हमारी होती हैं। तो हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती ना, इसलिए कुछ चीज़ें मैं म्यूट कर देती हूँ और फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, जो कि हर कोई करता है। कोई मैं अनोखी नहीं हूँ जो करती हूँ, हर कोई ऐसा ही करता है। और यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने डाला है तेल और उसमें मैंने डाला है सूखी लाल मिर्च, उसको तोड़ के डाल दिया है, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाली है। और उसको थोड़ा सा मतलब लाल करने, लाल तो होता ही एक्चुअली, मतलब थोड़ा हो जाने के बाद में डाला, जो सब्जी काट के रखा था, जो आलू कट करके रखे थे मैंने, वो डाल दिया है और इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं जब तक कि लहसुन छील ले रही हूँ, आज जो जैसा कि मैंने बताया कि एकदम सिंपल वाली रेसिपी है, तो दाल तड़के के लिए एक्चुअली मैं लहसुन छील रही हूँ, तो लहसुन और मिर्ची से मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था, कुछ भी इसमें तामझाम नहीं है, कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं है। दाल चावल आपने देखे, दाल उबालने रख दिए, चावल उबालने रख दिए, और आज मतलब आज मैंने रोटी भी नहीं बनाई है, खाली दाल चावल ही सबका हो गया था, तो रोटी भी मैंने नहीं बनाई थी। और रात का क्लिप है एक्चुअली, आप देख सकते हो बाहर अंधेरा दिख रहा होगा विंडो से आपको, तो रात का क्लिप है क्योंकि दिन में बन नहीं पाता है। दिन में हस्बैंड ले जाते हैं टिफ़िन, तो वो दाल चावल ये सब सारी चीज़ें ले जाना उनको पसंद नहीं है एक्चुअली, वो खाली रोटी सब्जी ही ले जाते हैं। और मैंने डाल दिया है सब्जी में नमक और हल्दी और उसको फिर ढक के छोड़ दिया है। पहले उसको भूना है अच्छे से, जब उसमें कलर आ गया, ब्राउन कलर का हो गया पूरे सब्जी, उसके बाद ही मैंने डाला है हल्दी और नमक। नमक आप पहले ना डालें क्योंकि फ्राई नहीं होगा वो, मतलब गलने लग जाएगी सब्जी जल्दी से, तो फ्राई नहीं करते बनेगा, फ्राई नहीं होगा। तो उसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लीजिए तेल में और उसके बाद आप डालिए उसमें हल्दी और नमक, और कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं, कुछ भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। और उसके बावजूद भी इतना अच्छा बनता है ना, आप पूछो मत, मतलब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा, मेरे बोलने से नहीं पता चलेगा, आप बनाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे हम ताकि लगे नहीं कढ़ाई से, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको हम। और यहाँ आपको देखिए ऐसे कलर एकदम चेंज हो गया ना, ब्राउन कलर का हो गया भून भून के। यहाँ तेल आपको ज़्यादा दिख रहा होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ कढ़ाई में, ऐसे गड्ढा बना दीजिए कढ़ाई में, सारा तेल आ जाएगा। और हमें दाल फ्राई करना ही है तो हम इसी में कर लेंगे, देखिए इस टाइप से इसका गड्ढा बना लेंगे, सारा तेल एकदम बीच में आ जाएगा, बस थोड़ी देर रहने देंगे, गैस को कर देंगे बंद अभी हम, और इसको थोड़ी देर रहने देंगे ताकि अच्छे से जो तेल है पूरा इकट्ठा हो जाए। गैस को कर दिया है बंद, देखिए गैस बंद है, और देखिए यहाँ हम मतलब दाल के लिए अलग से मुझे तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। और यहाँ मैं कटोरे में निकाल लूँगी सब्जी को, जो मैंने किनारे पर करके रखा था, यानी फैला के जो सब्जी को रखा था, तो उसको ऐसे बचा बचा के, यानी तेल में वापस ना जाए उस तरीके से मैं उसको कटोरे में वापस निकाल ले रही हूँ। गैस को फिर से चालू कर दिया है मैंने, और तेल मुझे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफ है तेल दाल के लिए। तो बस इसमें जीरा डालूँगी और सूखी लाल मिर्च डालूँगी, और देखिए सूखी लाल मिर्च मैं डाल दे रही हूँ। और जितना भी तीखा, मतलब इसमें पाउडर वगैरह नहीं यूज़ करना है, तो इसलिए जितना भी तीखा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से, और दाल ये सिंपल दाल है तो चटपटी तो बनेगी नहीं, सिंपल से ही बनेगी, तो उस हिसाब से आप मिर्ची डालिएगा। और यहाँ मैंने जो कटे हुए लहसुन थे बहुत सारे, तो वो डाल दिए हैं क्योंकि लहसुन का स्वाद इसमें स्ट्रांग आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बस और कुछ नहीं डाला है। और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है, और उसके बाद में दाल डाल दूंगी मैं, जो कि पहले से उबाला हुआ है, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं है, एक उबाला है, उसके बाद में गैस कर दूंगी बंद।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी करें जो आपको सही लगता है। जो आप बताना चाहते हो मुझे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। और देखिए दाल मेरी यहाँ बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।